सहरसा पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 साथी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस एवं चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। साथ ही इस बाबत SDPO ने बताया कि 5 अपराधियों की अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई है और इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। कल दिनांक 11 अप्रैल 2020 को शाम को सौर बाजार थाना अंतर्गत बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी पुवनी संजीव कुमार के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। इनको सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपराधिक घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं, तो मुसहरिनिया और खजूरी स्थित पुलिया के पास से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसी प्रकार कल ही पतरघट ओबी प्रभारी अजीत कुमार के द्वारा पहाड़पुर में छापेमारी किया गया। इनको इनपुट मिला था कि मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा का रहने वाला कुख्यात अपराधी रतन यादव, जिस पर कि दर्जनों कांड दर्ज है और ये फरार है मधेपुरा जिला से, तो इनको पहाड़पुर से गिरफ्तार किया गया है। 1 देसी कट्टा जो लोडेड था और 1 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों का जो है आपराधिक इतिहास कैसा? हाँ, आपराधिक इतिहास पाया गया है। बैजनाथपुर से भी जो गिरफ्तार है उनका आपराधिक इतिहास है, और जो पतरघट से गिरफ्तार है रतन यादव, उनका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और मधेपुरा पुलिस को उनकी तलाश थी। हमारे यहाँ भी वांटेड थे वो पतरघट थाना के केस में।